रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री छठवां अध्याय। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है।